नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट अश्विनी गौतम और अपने आज के इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे मित्रों, आज है 20 अप्रैल और जिन लोगों का जन्मदिन है आज, यानी कि जिनका जन्म 20 अप्रैल को हुआ है, सबसे पहले तो मेरी तरफ से उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका यह जन्मदिन उनके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। अभी आप जानना चाहते हैं कि कैसा रहने वाला है आपके लिए 2023। मैं बताऊंगा कि 20 अप्रैल वालों के लिए 2023 का साल कैसा रहने वाला है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचता रहे। 20 अप्रैल को पैदा हुए व्यक्ति जिनका ये साल हमें देखना है कि कैसा रहने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका मूलांक जो है वो है 2 और आपका पर्सनल ईयर शुरू होने जा रहा है 4, यानी कि चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है। ये साल ना आपके लिए मिला जुला रहेगा, कुछ खुशियां तो कुछ दुख, थोड़ा स्ट्रगल का साल है, मेहनत करनी पड़ेगी इस साल में, आसानी से कुछ नहीं मिलने वाला इस साल। और एक चीज मैं आपको और बता देने वाला हूं, 20 तारीख वालों, अपने दिल की फीलिंग्स को ना ऊपर वाले को बताया कीजिए, हर आदमी को मत बताया कीजिए, क्योंकि लोग आपका फायदा उठाएंगे और ये साल भी आपका ऐसा ही रहने वाला है। इमोशनली इस साल आपको बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा कि इस साल आप अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि जिसके आगे आप शेयर करेंगे वो आपका फायदा उठा लेगा। भगवान को साथी बनाइए इस साल, ऊपर वाले को बताइए अपने दुख दर्द। पैसा आएगा, इसमें कोई शक नहीं, पैसा बहुत आएगा इस साल के अंदर। करियर में स्ट्रगल दिखाई देता है और जो लोग एजुकेशन कर रहे हैं उनका ध्यान भटक सकता है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। तो कंसंट्रेशन बनाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करनी पड़ेगी और वो मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इस साल आपका ध्यान भटक सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको मेडिटेशन पे फोकस करना है इस साल। और सबसे बड़ी बात, लोग आपकी भावनाओं का फायदा उठा सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हर आदमी के सामने अपने दिल की बातें शेयर नहीं करनी है इस साल आपको। ये साल मेहनत का साल है, ये साल स्ट्रगल का साल है, ये साल आपसे मेहनत कराएगा, स्ट्रगल कराएगा और अगला साल आपके लिए कामयाबी का साल होगा। तो मेहनत कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बट अपनी भावनाओं को अपने तक संभाल कर रखिए या ऊपर वाले से शेयर कीजिए, किसी तीसरे आदमी से शेयर मत कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है। और अगर आप फिर भी ज़िंदगी में कोई भी समस्या किसी भी तरह की आपको आ रही है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमसे कॉन्टैक्ट करके पर्सनल अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, पर्सनल सेशन भी ले सकते हैं। और अगर आप वैदिक ज्योतिष, अंग ज्योतिष, टैरो कार्ड, पामिस्ट्री और वास्तु सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आपको बहुत बारीकी से ये सारी विद्याएं सिखाई जाती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।